Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Molly and this video is going to be my last board exam study vlog and I'm so excited but at the same time nervous क्योंकि हमारा paper postponed हो गया था and हमारे chances है कि paper हमारा tough आ सकता है, paper आसान भी आ सकता है but जहाँ तक मेरे को पता है moderate level का ही paper आ रहा है. So what I wanted to tell you is that कल रात को मैंने शुरू करी थी अपनी organic chemistry, मतलब स्टार्टिंग से नहीं करी थी, मतलब मैंने एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर से स्टार्ट करा था कल से, तब मैं पूरे दिन एल्कोहल फिनॉल ईथर कर रही थी. उसके बाद रात को मैंने थोड़ी बहुत एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करी जो कि मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही थी. सो आई टुक स्ट्रेट 1 आवर ब्रेक. उसके बाद मैंने सोचा कि मैं 12 से लेकर सुबह के जितने भी बच जाए मैं तब तक कंप्लीट करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ. तो मैंने 7 बजे तक सारे मोस्टली चैप्टर्स कर लिए थे. बायो मॉलिक्यूल्स हो गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन हो गया था और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया था और मैंने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट भी कर दिया था. सो मैं सोई 7 o'clock की एंड इट्स करेंटली 12:06, यानी कि 2 आवर्स हो गए हैं. मैंने अभी थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन खत्म करी, जस्ट अभी खत्म करी है. ओ या बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. एंड बोलती इतना ज़्यादा हूँ, मैं पढ़ूंगी कब. सो या लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. जस्ट मैंने अभी अभी ये चैप्टर कंप्लीट करा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू डू द बैक साइड एज वेल. सो या मम्मी डोर तो बंद कर दो. Let's just first have our breakfast. करने जा रहे हैं DNA block element. The elements in which the differentiation. मैं सारी reasoning वापस से याद करनी पड़ेगी मेरे को. अरे कर यार तू भी तो. तब बहुत उसके lead के लिए तो याद रहेगा. मम्मी. Later. अरे आ गई डॉली बेन, डॉली बेन. और आ चुकी है. अरे फ्रिज में इतनी सारी चीजें. तो गाइस अब हमारी रियलिटी. अरे ये कोल्ड ड्रिंक का भाई मेरे से छुपाई जा रही तेरी. ये भी फैलाई हूँ. ओ हमारे फ्रिज में मेरे साथ मेरे क्यों क्या रखने की जरूरत है. And it was at this point of time that I realized I was not studying at all. A few moments later. Tomorrow. Guys, it is currently 10:45 and I have finally completed the syllabus of chemistry. अब बस मेरे को revision करना है, mainly मेरे को inorganic की FND block वाली reaction करनी. वैसे आना 2 नंबर का है और वैसे ही मुझे 1 नंबर तो मिल ही जाएंगे कि potassium dichromate की मेरे को अच्छे से याद है, लेकिन KMnO4 वाली में जो न्यूट्रल alkaline है वो थोड़ी ज़्यादा complicated है, तो उसको याद करने में प्रॉब्लम होगी. बट आई जस्ट हैव टू रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन. धीरे बोल. इट इज़ 21st of March. रे आई हैव बिन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग बिकॉज आपको तो पता ही है आज केमिस्ट्री का पेपर है एंड आई होप दैट इट गोज़ वेल एंड आई जस्ट वन से जितना आता है वो करके आऊँगी. बाकी केमिस्ट्री मैंने बहुत मेहनत करी है, देखते हैं पेपर कैसे बन के आता है. वैसे PYU उसमें से मैंने देखा मुझे काफ़ी अच्छा पेपर लगा, बट वी नेवर नो कैसा पेपर अब बनाएंगे ISC वाले, क्योंकि स्पेसिफिक पेपर में मैंने देखा थोड़े बहुत लॉजिकल क्वेश्चन थे, लाइक वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए. वर्किंग रियली वेरी हार्ड फॉर द पास्ट 1 ईयर बट नेवर गॉट सच रिजल्ट. फाइनली वो दिन है. आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम गुड इन केमिस्ट्री. सो
मीट यू एट स्कूल अगर मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊंगी. वैसे मुझे लगता तो नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगी, बट या लेट्स गो. हमारा केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है स्टार्ट, एंड मेरी वीडियो में कोई आना नहीं चाहता तो धृति आ गई. बाकी ये दोनों देखो गाइस, हमें बहुत डर लग रहा है और हम लोग इसका पेपर अच्छा जा रहा है, ये मेरे को बुद्धू बना रही है. हालत खराब है, मुझे ये नहीं पता कि जो मैं पढ़ के आई हूँ मुझे याद कितना है इसमें से. वो अभी देखो मैं शूट करूंगी बिफोर केमिस्ट्री एग्जाम के बाद मैं शूट करूंगी. इसका पेपर पता क्या होगा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा. मेरी मम्मी की शक्कर. पोस्ट केमिस्ट्री एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा गया, अच्छा गया. एंड तुम दोनों को अपने ओपिनियन में बता सकते हो. Update, I just finished editing a video and now I have to plan some important things. I'm already getting bored. Boards abhi khatam hue hain, mujhe abhi boriyat aa rahi hai. So that was all for the video guys. Like this video, subscribe to my channel and hit the notification bell for the latest updates, because now I'll be uploading some content related to ISC and ICSC. And comment Molly Vasi if you watched the video till here. Bye.